हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं वीडियो मेंस की कट ऑफ के बारे में, क्योंकि जब हमने पिछला वीडियो बनाया था तो हमारे जो कुछ फ्रेंड्स थे जिनके सेंटर काफ़ी दूर थे, वो जो है वो यहाँ पे टाइम पे पहुँच नहीं पाए थे और उन्होंने जो है अपनी आंसर की नहीं मिलाई थी, जिस वजह से अब उसके बाद में उन्होंने जो है अपनी आंसर की मिलाई है। और अब जो है वो जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है तो वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने जितने भी मेरे जिन्होंने भी अबकी बार वीडियो मैच दिया था मेरे साथ, तो उन सभी से मेरी बातचीत हो रही है। तो मुझे जो है अधिकतर ऐसे अपने साथ में ऐसे बंदे भी हैं, ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अबकी बार मैच दिया है, जिन्हों का फाइनली पटवारी के अंदर फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हो गया। ऐसे 4-5 लड़के हैं, है ना, एक दो लड़कियाँ हैं जिन्हों का फाइनली पटवारी में सिलेक्शन हो चुका है, और कई जो है वो NTPC दिए हैं अबकी बार, और कई सारे जो है वो अबकी बार RS मेंस भी उन्होंने दिया हुआ है। तो उनके लेवल को देखते हुए उनसे जब मैंने बात की तो उन्हों का मुझे पता चला कि जब उनका अधिकतर लगभग लगभग सबका यही कहना है कि उन्हों के जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग 95 के आसपास ही सही हो रहे हैं। मतलब कि उसके अगर नंबर की बात कर ले, अपन सीधा सा जो है मार्क्स में बात कर लेते हैं, तो उनके जो मार्क्स है वो मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं 105 से 110, 110 के आसपास ही है सब, जो भी RS मेंस वाले हैं या फिर जिनका भी जो है पटवारी में फाइनल सिलेक्शन हो गया है वो, है ना, और जो काफ़ी सारे अदर्स एग्जाम्स में अभी जिन्होंने दिया है ना, कुछ कोई कहीं लगा हुआ है बट उन्होंने फिर भी दिया है। तो ऐसे कई सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई है। इसके अलावा जो स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल, जिसके ऊपर 1,05,000 के प्लस से कुछ जो है स्टूडेंट वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि उसके अंदर से जो है वो लगभग आधे बच्चे 1,00,000 उसमें जुड़े हुए हैं, तो लगभग 50,000 या 40,000 ऐसे बच्चे हैं जो सीरियस कैंडिडेट है ना, वो अच्छे से जो है अपनी तैयारी करते हैं सीरियस होके, तो ऐसे बच्चे भी हैं उसमें। तो उन्हों का जब उसमें सर्वे करवाया गया तो उसके अंदर जो है अभी 23,000 बच्चों का वोट हो चुका है, उस पोल के अंदर 23,000 बच्चों का वोट हो चुका है। तो मैं ये मानता हूँ कि उस 23,000 में से लगभग आधे बच्चे तो सीरियस कैंडिडेट थे, क्योंकि जो लगभग RS की प्रिपरेशन करते हैं उसमें से लगभग 30-40% बच्चे सीरियस कैंडिडेट ही होते हैं, बाकी कुछ को छोड़ दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो ही जाते हैं। तो जब उनका ये सारे के सारा सोर्स देखने के बाद में एक कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ जो है हम बता सकते हैं कि लगभग इसके आसपास ही जो है वो कट ऑफ रहेगी, है ना, इसके आसपास ही कट ऑफ रहने की पूरी पूरी संभावना है, इससे ज़्यादा कट ऑफ देखो नहीं जाएगी, क्योंकि पीछे RS का जो कट ऑफ बताई थी लगभग उसके समथिंग ही उनकी बैठती है ना। मैं खुद की मेरी बत नहीं बता रहा हूँ, मैं जो है स्प्रिंग बोर्ड को रख के और इसके अलावा जो अदर जो अपने जानकार हैं जिन्होंने खुद ने 2-4 एग्ज़ाम्स ऐसे फेस किए हैं अभी पीछे, SI वाला, पटवार वाला, है ना, और जिनका सिलेक्शन भी हो, उनके बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो 120 के आसपास जिसके भी हैं वो सभी यहाँ पे सेफ है, 120 से ऊपर तो कट ऑफ मुश्किल ही जाए, क्योंकि इन सबके भी जो है वो 110 के आसपास ही नंबर बन रहे हैं काफ़ी सारे बच्चों के। और स्प्रिंग बोर्ड के यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे जो पोल डाला गया है उसके अंदर भी जो है वो लगभग 8% बच्चे ऐसे हैं जो 120 के प्लस बता रहे हैं, उसके अलावा सभी बच्चों के जो है वो 120 से नीचे ही जो है वोटिंग हुई है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो है वो 120 से ऊपर ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, और जो 115 हैं, 110, 115 वो यहाँ पे सेफ है, 120 से ऊपर तो कट ऑफ जाएगी नहीं, इतनी ही रहने वाली यह जनरल की, ठीक है। उसके अलावा पिछले वीडियो पे जो है वो काफ़ी सारे लोगों ने जो है कमेंट किया था, जिसके अंदर विडो और डिवोर्स और जो है TSP वालों का और एक्स सर्विसमैन का, इनके भी कमेंट आ रहे थे। तो इनकी कट ऑफ देखो, इनकी कट ऑफ का क्या है कि इनकी कट ऑफ बहुत ही कम जाती है, मतलब 55-60 इतने मार्क्स, है ना, मार्क्स बता रहा हूँ मैं, 55-60 के आसपास जितने भी मार्क्स है वो चाहे विड्डो में हो, चाहे वो डिवोर्स हो, है ना, चाहे वो एक्स सर्विस मैन हो, जिसके भी 55 से लेके 70 के समथिंग नंबर है वो सभी जो है यहाँ पे सेफ है, मतलब लगभग इतनी ही कट ऑफ जाएगी, 60 के आसपास ही, है ना, तो 55-60-65 इसमें आप सेफ मान सकते हो, इससे ज़्यादा कट ऑफ उनकी भी नहीं जाने वाली। बाकी TSP वालों का ये है कि हाँ आप जो है वो 95 या 100 के आसपास आप भी जो है यहाँ पे सेफ जोन में हो, अब वो किसी भी कैटेगरी में रख सकते हो, थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे कम कर सकते हो। एक मैं मोटा मोटी अगर आपको जो है कट ऑफ बता दूँ तो वो कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है 100 से लेके 120, 100 से लेके 120 के अंदर जो है वो यहाँ पे सारी की सारी कैटेगरी आ चुकी है,
फीमेल वगैरह और जो भी कैटेगरी है वो सब के सब इसके अंदर ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 100 से 120, ये कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं बता दिया मैंने कि मैं ऐसे बता दिया कि 100 से 200 के बीच में रहेगी, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो 100 से 120 के अंदर ही कट ऑफ रहने वाली है वीडियो मेंस की, है ना। और ये काफ़ी सारे लोगों से, ऐसे सीरियस कैंडिडेट से पूछने के बाद ही ये कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, जिनका पीछे पटवारी में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। आरएस मेंस जो अब की बार देके आए हैं उनके बेसिस पे आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो स्प्रिंग बोर्ड के टेलीग्राम चैनल का जो सर्वे हुआ था उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा पीछे जो मेरे वीडियो पे कमेंट्स आए थे उन उस हिसाब से भी मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग उनके भी सबके जो है इतने ही नंबर बैठे थे, है ना। तो इस हिसाब से आप अपने नंबर मिला सकते हो। और मिलाने के सोर्स मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि जैसे दो अलग अलग कोचिंग वाले होते हैं, उनके वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे टीचर होते हैं जिनको 10 साल, 15 साल, 25 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है अपनी फील्ड में सिर्फ एक सब्जेक्ट को। जैसे कोई हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री का, पॉलिटिका है तो पॉलिटिका। और जब ऐसे पेपर सामने आते हैं तो वो है, वो खुद भी जो है सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ना ही उनको बुक्स के अंदर उनके आंसर्स मिलते हैं, ना ही गूगल पे उनको आंसर्स मिलते हैं, है ना। इतने सारे सोर्स होने के बाद में, फ्री माइंड होने के बाद भी वो जो है वो अपने सिर्फ अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी जो है वो नहीं ढूंढ पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पेपर तो देखो जो वहाँ पे देता है उसी को पता चलता है कि कैसा आया है ना। तो ये कोचिंग वाले अधिकतर जो है वो ज़्यादा कट ऑफ बता देते हैं, इतनी कट ऑफ नहीं जाती है। कई बार कुछ अच्छे टीचर्स हैं जिनकी बताई हुई कट ऑफ लगभग सेम रहती है ना, दो चार टीचर ऐसे हैं जिनकी बताई हुई कट ऑफ लगभग सेम रहती है, वो उस हिसाब से बताते हैं। तो आपको ऐसे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी कम जाएगी। आप अगर इसमें हो तो आप बिल्कुल सेफ हो। आप जो है अपनी आगे की तैयारी जो है स्टार्ट रखें, जो भी सेकंड ग्रेड आरएस वगैरह जिसमें भी देना चाहते हो आप उसकी तैयारी को जो है वो कंटिन्यू रखें। होना होगा तो इसमें फाइनल हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं पीछे जिनका पटवारी में 0.24 नंबर से, 0.50 नंबर से, बस मतलब आधा आधा एक एक मार्क्स से जो है पीछे सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो देखो ये तो होता रहता है, कट ऑफ का ऊपर नीचे थोड़ा सा चली जाती है आगे पीछे। बट क्या होता है कि सफलता जो है वो एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन हाँ एक दिन जरूर मिल जाती है। तो आपको जो है इसी बेसिस पे आगे तैयारी करते हुए रहना है। आगे जो भी खूब सारे एग्जाम्स आने वाली है इस साल और अगले साल में, काफ़ी सारी वैकेंसियाँ निकलने वाली है, एलडीसी वगैरह काफ़ी सारी आ रही है, तो आप जो है उसकी तैयारी पे यहाँ पे लग सकते हैं। तो फिर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है। अगर आपके और कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका रिप्लाई यहाँ पे जरूर करूँगा। थैंक यू।